राधे राधे। आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे भाद्रपद माह में पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान करने का शुभ समय क्या रहेगा और जानेंगे इसकी पूजा विधि। साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। भाद्रपद पूर्णिमा हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पद की पूर्णिमा तिथि को होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की और चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। इस बार भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान अलग अलग दिन है। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष का प्रारंभ होता है जो कि 16 दिनों तक चलता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा की रात आप माता लक्ष्मी की पूजा करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और धन प्राप्त कर सकते हैं। आइए ज्योतिषाचार्य से जानते हैं भाद्रपद माह की पूर्णिमा की शुभ तिथि क्या है। सबसे पहले जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा इतनी खास क्यों है, इसका क्या महत्व है। हिंदू पुराणों की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। साथ ही उमा महेश्वर व्रत पूजन भी भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। खास तौर से ये व्रत महिलाएं रखती हैं। इस व्रत से संतान बुद्धिमान होती है और ये व्रत सौभाग्य तथा सभी संकटों को दूर करके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। ज्योतिषियों के अनुसार सितंबर माह की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान के साथ साथ पितृदेव की पूजा भी की जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही घर में धन का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और भाद्रपद पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने का खास महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र देव और धन की देवी मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। इसीलिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। इसके साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन के मार्ग खुलने लग जाते हैं, तो वहीं चंद्रमा पूजन से मानसिक शांति मिलती है, तनाव दूर होता है। इसके अलावा इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना भी शुभ होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ये था भाद्रपद पूर्णिमा का महत्व। और अब जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की डेट और सही तारीख क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर मंगलवार को दिन में 11:44 से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8:04 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर को मान्य है। और अब जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के दिन व्रत स्नान दान के शुभ मुहूर्त और समय। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत 17 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। उस दिन चंद्रोदय शाम को 6:03 पर होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे चंद्रमा की पूजा शाम को 6:03 के बाद करें जब अंधेरा हो जाए। उस दिन ही सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। इस बार रवि योग में भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत होगा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन रवि योग बन रहा है। उस दिन रवि योग सुबह से 6:07 से प्रारंभ होगा और यह दोपहर में 1:53 तक रहेगा। रवि योग में पूजा पाठ करना ठीक है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। रवि योग में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। और अब जानते हैं स्नान दान का शुभ समय।
इस साल भाद्रपद पूर्णिमा का स्नान और दान 18 सितंबर को होगा। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:08 पर होगा। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति से पूर्व आपको भाद्रपद पूर्णिमा का स्नान और दान कर लेना चाहिए। इस दिन आप चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, इससे चंद्र दोष दूर होगा और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का समय रहेगा। सुबह 9:11 से लेकर के दोपहर के 1:37 तक और इस दिन चंद्रोदय का समय है शाम को 6:03 पर और माता लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ समय है रात में 11:52 से लेकर के 18 सितंबर को प्रातः 12:39 पर। और इस दिन भद्रा है और पंचक भी है, तो जान लेते हैं भद्रा और पंचक का समय। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पंचक पूरे दिन है और भाद्रपद पूर्णिमा व्रत वाले दिन शाम को 6:39 से भद्रा लग रही है, जो कि अगले दिन सुबह 5:06 तक है। तो ये थे भद्रा और पंचक का समय। अब जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा पर किस विधि से पूजा करनी चाहिए। इस पावन दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें और नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें और पूर्णिमा के पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। एक भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती के पश्चात इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें और पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। कोशिश करें कि इस दिन गाय को भोजन जरूर खिलाएं और जरूरतमंदों की अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद जरूर करें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे सीख मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसी सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ नहीं आती है ठीक से। इसके लिए हमें साथियों क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।